तो हेलो यार एंड स्वागत है आप लोगों का चैनल के एक और नई वीडियो में। तो यार हम ऐसे काफ़ी लोगों को लगता है कि हम भी टेक्नो गेमर्स की तरह अपनी GTA 5 की वीडियोस तैयार करें, अपनी खुद की स्टोरीज तैयार करें, लेकिन यार हम लोगों को करेक्ट प्रोसेस नहीं पता होती, करेक्ट मेथड नहीं पता होती कि हम किस तरह से अपनी स्टोरीज को क्रिएट कर सकते। तो यार अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप एकदम करेक्ट प्लेस पर लैंड हुए हो। तो यार अगर आप लोग भी अपनी GTA 5 की स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो तो बेसिकली दो ही स्टेप्स है जो आपको आने ही चाहिए। तो यार बात करते हैं अपनी पहली स्टेप की। तो यार अगर आप लोग GTA 5 की स्टोरीज क्रिएट करना चाहते हो तो मैं मानता हूँ कि आपके पास एक अच्छा सा PC है या फिर लैपटॉप या फिर कंसोल जो भी हो वो अच्छा सा है जो कि GTA 5 को एकदम मक्खन की तरह चलाने के काबिल है। तो यार बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। जो आपकी फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपको GTA 5 मेनू इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यार अगर आप लोगों को नहीं पता कि GTA 5 मेनू कैसे इंस्टॉल करें तो चिंता मत कीजिए, मैं एक वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। तो यार अब सवाल आता है कि यार हमारे पास तो GTA है तो फिर GTA 5 मेनू क्यों इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, GTA 5 मेनू बेसिकली GTA 5 का मोड वर्जन है जिसमें आप लोग अपनी व्हीकल्स को डिज़ाइन कर सकते हो, अपने खुद के कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हो, अपने खुद की स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो। और यार आपने जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए हुए हैं वो उनको आप लोग टास्क दे सकते हो, गाड़ी में बैठने का टास्क, अपने को फॉलो करने का टास्क या फिर प्लेन चलाने का टास्क या फिर गाड़ी को फॉलो करने का टास्क। तो यार यहाँ पे ख़त्म होता है अपना पहला स्टेप और स्टार्ट होता है दूसरा स्टेप। तो यार जब आपने GTA 5 मेनू इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार वो कैसे काम करता है, हम उसको कैसे चला सकते हैं, कैसे बेसिक्स एडिट कर सकते हैं, कैसे टास्क दे सकते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। GTA 5 मेनू चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कुछ आपके उसके बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। तो यार GTA 5 मेनू को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक दूसरी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो यार उस बंदे ने बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही आसानी से और एकदम सरल भाषा में एकदम समझाया है कि GTA 5 मेनू कैसे काम करता है, हम उसको कैसे चला सकते हैं। तो यार दोनों भी वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना, पहली GTA 5 मेनू कैसे इंस्टॉल करते हैं और दूसरी GTA 5 मेनू कैसे ऑपरेट करते हैं। तो यार बस अगर आप लोगों ने ये दोनों स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप बड़े ही आसानी से अपने क्रिएटिव वे में अपनी जो भी बढ़िया सी स्टोरी है आप उसको तैयार कर सकते हैं GTA 5 में। और अगर आप चाहे तो YouTube पर भी आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो यार अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी GTA 5 मेनू के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हाँ यार बस यही था कि आप लोग कैसे अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, टेक्नो गेमर्स की तरह यूट्यूब पर डाल सकते हो आप भी। तो हाँ यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको दोनों के दोनों स्टेप्स पसंद आए तो ज़रूर से उनको फॉलो कीजिए, आप भी अपनी स्टोरीज़ को एकदम आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो बस यार मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।